टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की हफ्तावार खबरों का आगाज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इस इफ्तिताही तकरीब से करते हैं, जिसमें उन्होंने वैली में ख्वातीन की फलाह बहबूद के लिए 7 नामी प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। मोटे तौर पर 48,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में हैं, जिससे 4,00,000 महिलाएं जुड़ी हुई। आज जो 7 कार्यक्रम साथ के नाम से कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, उसमें महिलाओं की मेंटरिंग और मार्केट लिंकेज, जो प्रोडक्ट वो बना रही हैं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से, उस पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम हमारी रूरल वुमेन जो हमारे छोटे मोटे काम कर रही हैं और SHG से जुड़ी हुई हैं, उनके लाइवलीहुड्स को एक्सेलरेट कराना है। ऑलरेडी वो छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं उसमें इतना प्रॉफिट नहीं है, ना उनको मार्केटिंग का इतना ज़्यादा नॉलेज है, ना ब्रांडिंग ना पैकेजिंग। तो ये इनिशिएटिव हमारा जो है वो इसलिए है ताकि हम इनको सिखा सकें मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको पैकेजिंग कैसे करनी है, इसको एक हायर ऑर्डर एंटरप्राइज कैसे बनाना है। ये जो प्रोग्राम है इसमें पहले 5,000 लड़कियों के लिए वर्कशॉप्स होंगी, उनमें से 500 औरतें जो हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा इंटेंसिव ट्रेनिंग के लिए, और फिर 100 औरतों को सेलेक्ट किया जाएगा मेंटरिंग के लिए, जिनके बिजनेस मॉडल्स बनाए जाएंगे। इससे हम ऐसी सक्सेस स्टोरीज बनाएंगे जो बाकियों के लिए, ना ही सिर्फ SHG औरतों के लिए बल्कि सब रूरल वुमेन के लिए एक तरह से रोल मॉडल्स और एम्बेसडर्स का काम करेंगी। और हमारा जो ये नॉलेज बेस है, स्किल सेट है, उसको हम यूज़ करेंगे हमारे 4,00,000 औरतें जो इससे जुड़ी हैं SHG से, उन तक पहुँचने के लिए। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर शोपियान में 80 से ज्यादा खानदानों के एक इज्तमा से मुलाकात की। इन खानदानों के बच्चे अभी भी दहशतगर्दी की सरगर्मियों से मुंसलिक हैं। हुकाम ने इन खानदानों से कहा कि आप अपने बच्चों को इस सोच से निकालें और हमारे साथ राब्ते में लाएं। हम यकीन दिलाते हैं कि इस सूरत में वो अपनी और अपने देश की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। मैंने जीओसी कलेक्टर से ये रिक्वेस्ट करी थी, किसी तरीके से मैं आप लोगों से 1-to-1 हो जाऊं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि अपने बच्चों को इस करतब से निकालें, बाहर निकालें, चुपचाप निकालें। कैसे निकालें मुझे नहीं आपके ऊपर, क्योंकि आपका बेटा, मगर हम ऑपरेशन के दौरान अगर किसी लड़के ने हथियार डाल दिया, हम गोली खा करके, इंजरी लेकर के, अपनी कैजुअलिटी लेकर के आपके एक एक बच्चे को बचाने को चाहिए। ये मेरा आपको बात है, ठीक है, क्योंकि जान जोखिम में होती है उस टाइम पे, मगर हम भी अपना पैर ऊपर के कुछ करके आपके बच्चे, बाकी आपके। जुनूब बिलाखिर इख्तिताम को पहुंचा। इस जश्न के दौरान रंगारंग खेलों और दीगर तकरीबात का एहतमाम हुआ। इख्तितामी तकरीब का हवाल आपको दिखाते हैं। Yeah.
मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर का अगर हम देखे जाए अब हमारे पास क्या रहा है, अब हमारे पास यही तो रहता है कि हमारी जो आर्ट है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो तहजीब है, हमारे जितने भी विधा से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म देने चाहिए और उनको प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। और जब हम देखे जाते जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा लॉस जो हुआ कोरोना से और कोरोना से पहले भी सबसे ज़्यादा लॉस हुआ हमारे आर्टिस्टों को, खासकर कलाकारों को। मैं दास्तान भी जानता हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट प्लेयर रबाब भी प्ले करता हूँ, मैं वोकलिस्ट भी हूँ, हमारा थिएटर भी है, हमारी चैनल भी है। लेकिन अगर काम होगा, वैसे तो रेडियो है, एकेडमी है, बहुत सारे अदारे हैं, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न है, अब वो बंद हो गए हैं, वहाँ पे है ही नहीं कुछ काम करने को, करते काम लेकिन वहाँ पे वो बुक ही नहीं करते, न उनको पैसे हैं इसलिए। तो अब आज खुशी महसूस हुई कि इन लोगों ने, NZCC ने आज मतलब ये प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। ये बस अकेला रईस वाथुरी नहीं है, यहाँ पे शायद 100 से ऊपर आर्टिस्ट हैं जिनको कंपोजिट कल्चर दिखाना है, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करना है। और मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि जहाँ पे हम सब मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के आर्ट और कल्चर को, और ये खुशकिस्मती की बात है कि ये कश्मीर में हो रहा है। श्रीनगर में फोक डांस फेस्टिवल का एहतमाम शाह कलंदर फोक थिएटर ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंडियन हुकूमत के इश्तराक से किया था। इस तकरीब की एक रंगारंग रिपोर्ट देखिए। इसका जो टाइटल है वो है जश्ने जुनूब, एंड आई थिंक ये जो यहाँ पे प्रोग्राम मतलब ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया है, इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल। स्पोर्ट्स इज द बेस्ट थिंग टू रिकवर द यूथ हु आर डैमेज्ड, हु आर गेटिंग हजार्डस। जो पूरी जनता यहाँ इस मैच को, इस इवेंट को देख रही है, उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि किस तरह उन्होंने इस पूरे इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल का फासला को एंजॉय करें। इसी के साथ मैं पूरे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंतजामिया के लोग थे उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, किस प्रकार उन्होंने पिछले एक महीने के दौरान तकरीबन 1000 एथलीट स्पोर्ट्समैन के साथ मिलकर के इस पूरे स्पोर्ट्स फेस्ट, साउथ कश्मीर स्पोर्ट्स फेस्ट जश्ने जनूब को अंजाम दिया। मुझे यकीन है कि हमारे बीच खास तौर से साउथ कश्मीर के थ्रू अगला परवेज रसूल जो हमारे बीच यहां मौजूद हैं, पीवी सिंधु, चानू या नीरज चोपड़ा जरूर निकल के आएगा और हमारे देश का नाम ऊंचा करेगा।
कश्मीर प्रीमियर लीग 2021 का इख्तिताम शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में हुआ। इस टूर्नामेंट में कश्मीर के 10 अज़ला से 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस टूर्नामेंट का इख्तिताम भी इंडियन आर्मी ने किया था। इरफान यहाँ पे 2 साल थे, जो मेंटोरशिप और कोचिंग किया उन्होंने, उनसे बहुत कुछ सुना है मैंने यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पे टैलेंट है, बहुत बेहतरीन टैलेंट है यहाँ पे। और जब इरफान यहाँ पे थे तो आपके 2 से 3 लड़के जो आईपीएल के लिए भी सिलेक्ट हुए वो खेले, तो ये एक अच्छा साइन है कि आपके यहाँ पे ऑब्वियसली टैलेंट है। और जो जिस तरह से आर्मी के लोग और जो कर्नल साहब यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है केपीएल, तो ऐसे टूर्नामेंट होने से क्या होगा कि जो यूथ है, जो टैलेंट है, वो और निखर के आएगा। और 200 टीमें यहाँ पे ये टूर्नामेंट खेली है पिछले दो महीने में, तो ये एक बहुत ही तारीफ के काबिल है कि इस तरह से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज भी हुआ है और जो यूथ है, जो टैलेंट यहाँ पे है, वो निखर के आएगा। मुझे बहुत खुशी है ये जो केपीएल हमने ऑर्गेनाइज करा, कश्मीर प्रीमियर लीग जो 2011 में स्टार्ट हुआ था, इस पूरे मैच के दौरान, इस लीग के दौरान तकरीबन 200 से ज़्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। और ये एक बहुत अमेजिंग बात है कि हर छोटे छोटे गांव में लोगों ने अपनी टीमें बनाई, यूथ ने खुद उसको ऑर्गेनाइज करा, कंडक्ट करा, और साथ ही उसके बाद जाने में इस पूरे इवेंट को आगे बढ़ाया। आज का मैच वाकई बहुत यादगार रहेगा। बडगाम ब्रेस आज विनर रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशन टू यू ऑल। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टिसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।